हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि उनके दिल में आप हैं या कोई और। तो जो भी है मैसेजेस निकल के आते हैं बताने की कोशिश, अभी जो है यूनिवर्स क्या कहना चाहती है देखते हैं। तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। अगर मैसेज क्या जो भी आते हैं, टैरोट इज़ अबाउट एनर्जी शिफ्ट भी होती है। तो हो सकता है कि ये मैसेज आज के दिन आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हो और कुछ हो शायद बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं हो। तो हमें पॉजिटिव रह के ही इस रीडिंग को देखना है। लेट्स सी कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, कब से पेंडिंग था कि आप उनके दिल में आप हो या कोई और। वैसे तो मैं श्योर हूँ बट स्टिल देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। My God. Just a minute. Ten of Pentacles. Okay. Ace of Pentacles. Six of Pentacles. Seven Swords. The Star. Bottom deck है Ten of Wands. Ten ten completion की energy है. So क्या लगता है आपको, क्या कौन के दिल में कौन है? तो वो सवाल का जवाब है आप ही हो। टू ऑफ कप्स है, सोलमेट कनेक्शन है और बहुत खुश हूँ कि जैसे दिल थाम के बैठी थी क्या रीडिंग निकल के आ रही है। बट जो है वो है, अभी यूनिवर्स जो कहना चाहती है उसके हम दराव नहीं डाल सकते ना कि वो जो कहना चाहती है वो है। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिन लोग के लिए है और जो काफ़ी एक कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं ना, तो यूनिवर्स से स्पेशली ये जो यूनिवर्स से कनेक्ट होके देखना है। इट्स नॉट अबाउट मी, आप किसी की भी रीडिंग देख रहे हो लेकिन आप यूनिवर्स से कनेक्ट होके जैसे आंसर्स पूछ रहे हो कि ये सवाल का जवाब क्या है इस, तो वो चीज़ का जवाब हाँ आया है कि यस उनके दिल में आप ही हो। और यहाँ पर ऐसा लगा कि हुआ था ये कि अच्छा खासा प्यार का बॉन्ड था और एक दूसरे को पहचान भी लिया था और ये मुझे एक नई कनेक्शन की भी एनर्जी नज़र आ रही है और पास कनेक्शन की भी एनर्जी नज़र आ रही है। सो मुझे ऐसा लगा कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, करियर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है और कहीं ना कहीं इस इंसान की कुछ पिछली कनेक्शंस की प्रॉब्लम हो या एक इनर चाइल्डहुड हीलिंग चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइक बचपन में या एक अर्ली एज में जहाँ पे इंसान की थॉट प्रोसेस बिलीव होती है वहाँ पे या फिर कुछ ऐसा देखा है ना जिसकी वजह से जैसे पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा ना होना, उनमें डिवोर्स होना या फिर आसपास के लोगों का देखना, दोस्तों में देखना, तो उसकी वजह से और कुछ लोग के पास कनेक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट इशू होता है और वो पैटर्न्स उनके रिपीट होते हैं, उनको किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, वो भी ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। लेकिन ना जब सच्चा प्यार आता है तो वो उस चीज़ से दूर भागते हैं। जब सच्चा प्यार आता है, कोई इमोशन दिखाए ना, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा तो लगता है लेकिन उनको लगता है कि ये भ्रम है, सच नहीं होता। सच वो होता है ना जो जिसमें कॉन्स्पिरेसी हो, ये हो, वो हो, वो वही होता है आखिर, सच्चा कि यही होता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जाने अनजाने में थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, रीज़न चाहे फैमिली हो या फाइनेंशियल कंडीशंस हो किसी का, मतलब एक होता है ना कभी कभी जब इंसान का वक्त अच्छा होता है या कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आता है तो कंपैरेटिवली तो दुनिया जैसे कहती है या खुद को लगता है नहीं भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उसकी वजह से वो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन चूज़ करता है।
तो वैसा ही कुछ मुझे फील हुआ कि इनको लगा तो लाइक दिल से कनेक्शन है, सोल से कनेक्शन आपसे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अच्छी फीलिंग वाइब्स आ रही है आपसे, लेकिन उनको ऐसा लगा प्रैक्टिकली सही नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ तो गड़बड़ है, प्रैक्टिकली मुझे कुछ और सही लग रहा है, ये हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, किसी का दूर जाने की वजह से, या तो आप किसी दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने की वजह से, या फिर वो कहीं और दूर होने की वजह से रिश्ते में दरार आ गई, सेपरेशन है, डिस्टेंस आ गया, तो वो चीज़ है। और एक इंसान का है ना एक मस्त मौला अंदाज़ है, वो चीज़ इसमें एक काम करे कि छोड़ो ना, अभी क्या सोचना है, इतना क्या सोचना है, जो होता है देखा जाएगा, अभी तो ठीक है ना, अभी तो चल रहा है ना, ये सब जो सोच होती है ना वो कहीं ना कहीं एक इस रिश्ते में दरार कर गई, उन्होंने एक सही से फैसला नहीं ले पाए उस वक्त, ऐसा कुछ फील हो गया। खास करके फैमिली की जिम्मेदारी होती है ना, फैमिली, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, फाइनेंस, फैमिली की प्रेशर है कि हमारा सोशल स्टेटस है, या फिर फैमिली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वॉट एवर रीज़न, ऐसा लगा ना कि ये सारे रीजन्स में इन्होंने प्रायोरिटी आपको नहीं दी। तो ये जो सवाल है ना आपके मन में, वो घर कर गया कि मन में बैठ गया कि उनके दिल में आप हों या कोई और है। तो ये दिल की बात करें तो आप ही हो, अभी इनके ज़िंदगी में शायद कोई और हो सकता है, शायद ये मैरिड हो सकता है, या फैमिली की वजह से इन्होंने किसी को चूज़ किया हो, बट यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान भाग रहे हैं आपसे, भाग रहे, दूर भाग रहे, अपने इमोशंस से भाग रहे, किसी डिसीजन से भाग रहे। अगर इनके दिल की बात करें ना तो वो आपकी तरफ वापस आना चाहता है, एक मैरिज कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी वो आपके साथ फील करते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट वही आपके साथ फील हो, उनको पता है कि आपके बीच में जो एक प्यार का इक्वल गिव एंड टेक है ना, वो किसी और के साथ नहीं है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है वहाँ पे ना, बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है जहाँ पे इमोशंस इक्वल है, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार आप वो आपसे करते हैं। बट अगेन इस इंसान का दूर भागना, अपनी ही इमोशंस को छुपाना रीज़न हो सकता है ना, जो भी मैंने कहा कि कार्मिक पैटर्न होते हैं, तो वो अकाउंट्स या उसकी पैटर्न की वजह से वो सब कार्मिक अकाउंट्स जो होते हैं ना, वही ये कर्मा भुगतना है, वो कर्मा भुगतना है, किसी का लेन देन वाकई। यहाँ पे उन्होंने मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील हो, कर्जे की एनर्जी है इस वक्त ना इंसान, मुझे पता नहीं क्यों, या अभी रीडिंग के कनेक्शन में है या कनेक्शन के आउट ऑफ है, बट यहाँ पे कोई तो लेन देन बाकी है, जो बैलेंस था ना जो इमोशंस में वो कहीं मिसिंग है और इम्बैलेंस हो गया है, और यहाँ पे कोई लेन देन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इनके ऊपर कुछ तो कर्जा है, या तो आपके साथ कुछ कर्मा का लेन देन जो बाकी है ना, कि इन्होंने वो जो किया है वो बहुत गलत किया है, किसी को ऐसे आधे ही रास्ते पे छोड़ना वो गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि इन्होंने बात क्लियर नहीं की है, कुछ अधूरा छोड़ा है। जैसे आपके सेपरेशन के वक्त ठीक से ना बताना कि सेपरेशन की वजह क्या है, या फिर अचानक से ये सब क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, किसलिए हो रहा है, मुझे यहाँ पर मैरिज के इश्यूज़ भी लगे, मैरिज होने के बाद के इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, तो ये सब क्यों हुआ है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लेन देन बाकी है इनके ऊपर। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि फ़िलहाल बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, ये बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील कर रहे हैं, जिम्मेदारी हो, कर्ज़ा हो, 10 चीज़ें हैं सामने, 10 चीज़ें, लेकिन इमोशनल सपोर्ट एक भी नहीं। सच कहो तो इस इंसान को मतलब आप मत पूछो, क्योंकि आपसे ना झूठ बोलने की आदत है उनको, या दिखाने की आदत नहीं, या दिखाए तो उल्टा दिखाने की आदत है, क्योंकि ये इंसान खुद के ही इमोशंस, मतलब जितना वो ईगो और जिद की वजह से गया था ना, उस अभी आपके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि जिस तरह से बोले हाँ भाई ऐसा तो होता है प्रैक्टिकली वगैरह, वो सब जो भी है ना सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, ये वो सब आज उनसे मुँह से निकलता नहीं होगा, बस स्टेटस स्टोरीज वो दिखती है कि बहुत हम घूम फिर रहे, खुश है, पार्टी चल रही है, ये चल रहा है, बट अंदर से इंसान कितना खोखला है वो यही बताता है। मैंने कहा ना कि 10 चीज़ें हैं, 10, ऑफिस का प्रेशर है, कर्जे का प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारी है, इसका है, उसका है, 1000 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि वो जो एक
इमोशनल सपोर्ट कहते हैं ना, सपोर्ट, वो एकदम मिसिंग है, ज़ीरो। और वो चीज़ आपसे ही जुड़ी हुई है, और इसीलिए घूम फिर के ये सर्कल में उनको यहीं पे आना है, घूम फिर के इस सर्कल में उनको यहीं पे आना है, आपकी तरफ ही आना है, वाली चीज़ मुझे दिखाई दे। तो उनके दिल में आप ही हो, दिल में तो आप हो, ज़िंदगी में कोई और हो सकता है हाल फिलहाल में, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इवन करियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो वो चीज़ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक वक्त है कुछ लोग केसेस में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक 10-10 पोर्टल की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हुई है, वहाँ पे आपको इस इंसान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। ऑफ कोर्स कमिटमेंट तो वो 10-10 पोर्टल की बात का है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े इशारे कुछ मोमेंट्स नज़र आने लगेंगे। लेकिन अगेन आपकी ऑरा कितनी क्लींस है, आपकी ऑरा में कितनी पॉजिटिविटी है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं रिजल्ट्स, वरना यूनियन में डिले होते हैं, क्योंकि मुझे यूनियन तो दिख रहा है बट वो यूनियन में डिले होते हैं, ये बात आप ध्यान से सुने, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो जो दिख रहा है वही बताने की कोशिश की है, एंड आई होप कि कुछ लोगों को कुछ मैसेजेस मिले होंगे, नहीं मिलेंगे जो भी है, तो अगर गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।